हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन टैकल करेंगे अबाउट मल्टी कोलिनियारिटी शायद आपने ऑलरेडी फेस भी किया होगा मल्टी कोलिनियरिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, आज के वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि मल्टी कोलिनियारिटी होता क्या है uh, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर मल्टी कोलिनियारिटी आपके सिस्टम में है Uh, कैसे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कैसे उसको रिमूव कर सकते हो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन मल्टी कोलिनरिटी होता क्या है सो so, ये मैंने एक डेफिनेशन उठाया है uh, एक बार इसको पढ़ते हैं मल्टी कोलिनियारिटी इज अ फिना वेयर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड In other words, one predictor variable can be used to predict the value of another. This creates redundant information, skewing the results in a regression model. ठीक है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये टर्म्स समझा देता हूँ मान लो हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे इनपुट में हमें सी एक कॉलम मिला है आई एक कॉलम मिला है और एल में बच्चे का प्लेसमेंट कितने लाख का हुआ ये हमें प्रिडिक्ट करना है तो इतना तो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो इनपुट कॉलम्स हैं इनको हम इंडिपेंडेंट फीचर्स बोलते हैं राइट right? और ये जो अपना आउटपुट कॉलम है या टारगेट है इसको हम डिपेंडेंट फीचर बोलते हैं क्योंकि एल का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन सी जी पी एज वेल एज आई क्यू बट इनको इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है तो इसी का ठीक उल्टा हो जाता है मल्टी कोलिनियारिटी मल्टी कोलिनियारिटी में क्या होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाते हैं या फिर वो को होते हैं को पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है मैं आपको दोनों का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मान लो सी और आई ही अपना एग्ज़ाम्पल है तो सी जी पी और आई क्यू इज़ अ पॉजिटिवली को रिलेटेड फीचर का एग्ज़ाम्पल जनरली जिसका आई क्यू ज़्यादा होगा उसका सी जी पी ए भी ज़्यादा होगा ठीक है नेगेटिवली रिलेटेड फीचर्स का एग्जाम्पल हो सकता है आई क्यू एंड नंबर ऑफ बैकलॉग्स ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा आई क्यू होगा बैकलॉग्स उतने कम होंगे ठीक है दो ऐसे फीचर्स जो आपस में बिल्कुल भी को रिलेटेड नहीं है उनका एग्जाम्पल हो सकता है आई क्यू एंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स मेडल्स स्पोर्ट्स में बंदे ने कितने मेडल्स जीते हैं उसका आई क्यू के साथ जनरली कोई कनेक्शन नहीं होता ठीक है तो यू गेट द आइडिया समराइज करते हैं मल्टी कोलिनिटी इज अ फिना जहां पे आपके जो इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं वो आपस में हाईली कोरिलेटेड हो जाते हैं मतलब एक को चेंज करने से दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा इसी फिनोमिना को बोलते हैं मल्टी कोलिनियारिटी ठीक है अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं देखो जब आप रिग्रेशन परफॉर्म करते हो तो होता क्या है मान लो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग आई और सी एज हमारा इनपुट एंड एल पी एज आवर आउटपुट तो जब हम इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक्चुअली ये करते हैं मतलब आपने ये देखा होगा वाई इज इक्वल टू बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा नॉट ठीक है तो आपका काम क्या होता है यहाँ पे एक्स वन है आई क्यू एक्स टू है सी जी पी ए तो आप ये बीटा वन बीटा टू और बीटा नॉट कोफिशियंट्स निकालना चाहते हो इन अ वे आप ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो कि एल पी ए इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन टाइम्स आई क्यू का वैल्यू जो भी है प्लस बीटा टू टाइम्स ए का सॉरी ए नहीं होगा सी जी पी ए का वैल्यू जो भी है यही हमारा लीनियर रिग्रेशन कर रहा है राइट right? हम ए का मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं आई क्यू और सी के साथ और वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो निकल रहा है वो इन तीन कोफिशियंट्स के टर्म्स में निकल रहा है अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोफिशियंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ध्यान से सुनो सो so, बीटा वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं यहां पे बीटा वन क्या कहना चाहता है कि आईक्यू में चेंज करने पे एल पी ए में कितना चेंज होगा कंसिडरिंग सी जी पी कॉन्स्टेंट बीटा वन वही फैक्टर है ठीक है फिर से सुनना बीटा टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी जी पी ए में चेंज करने से एलपीए में कितना चेंज होगा कंसिडरिंग आई क्यू इज कॉन्स्टेंट राइट तो ये जो कोफिशियंट्स हैं ये हमें यही बता रहे हैं अब अगर आपके सिस्टम में मल्टी आ जाता है मान लो आई क्यू एंड सी जी पी ए आर कोलिनियर या फिर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो आपका ये जो डेफिनेशन है वो होल्ड ही नहीं करेगा हमारा डेफिनेशन क्या था बीटा वन क्या है एलपीए कितने फैक्टर से बढ़ेगा जब आप आईक्यू को बढ़ाओगे कंसिडरिंग सी जी पी ए इज कॉन्स्टेंट बट अगर आई क्यू और सी जी पी ए रिलेटेड हैं तो अगर आप आई क्यू को बढ़ाओगे तो सी जी पी ए भी तो बढ़ जाएगा सीजीपी तो कांस्टेंट रहा ही नहीं विच बेसिकली मीन्स कि इन कोफिशियंट्स का भी कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगा और उनका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा इन्फ्लेटेड हो जाएंगे या गड़बड़ हो जाएगा इन शॉर्ट अगर मल्टी कोलिनियरिटी हुआ तो हम इन कॉफिशियंट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते फिर ये कॉफिशियंट अपना काम सही से नहीं करेगा और यही सबसे बड़ा इशू होता है मल्टी के साथ मैं एक बार समराइज कर रहा हूं हमारा रिग्रेशन मॉडल कोफिशियंट्स निकालता है कोफिशियंट्स करते क्या हैं कोफिशियंट्स आपके इंडिपेंडेंट कॉलम का अलग से रिलेशनशिप निकालते हैं आपके डिपेंडेंट कॉलम के साथ राइट कंसिडरिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट कॉलम्स कॉन्स्टेंट बट अगर आपके इंडिपेंडेंट कॉलम्स के बीच में एक रिलेशनशिप है तो फिर दूसरा वाला जो इंडिपेंडेंट कॉलम है वो कॉन्स्टेंट रहा ही नहीं तो फिर आपका अजम्पन होल्ड नहीं कर रहा और आपके जो कोफिशियंट्स uh, हैं उनका कुछ मीनिंग नहीं रहा या फिर अलग वर्ड्स में बोला जाए तो आप जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हो तो आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो कि आपके जो डिपेंडेंट फीचर्स हैं इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं वो आपके डिपेंडेंट फीचर का कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं आप ये निकालना चाहते हो ठीक है अगर अब दो फीचर्स आपस में ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर इस पूरी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा या एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो एक साइंटिफ साइंटिस्ट लोगों की टीम है जहाँ पे मल्टीपल लोग मिल एक के एक इन्वेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं अब मान लो वहाँ पे दो टीम मेंबर्स हैं उनके जो स्किल्स हैं वो एग्जैक्टली exactly सेम है राइट एग्जैक्टली सेम है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब वो इन्वेंशन हो जाएगा और लोग ये जानना चाहेंगे कि, कि किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इन दोनों लोगों का स्किल्स एकदम सेम है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करना उस इन्वेंशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है वेयर एज इन अ डिफरेंट सिनारीो अगर सभी लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका स्किल सेट बहुत अलग है एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है एक फ़िजिक्स बैकग्राउंड से है एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो इन लोगों का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उस इन्वेंशन को करने में वो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम से इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि मल्टी कोलिनियरिटी क्यों खराब है क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी के होने से आप दो रिलेटेड फीचर का आउटपुट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं समझा पाते एंड दैट इज द बिगेस्ट इश्यू अब बहुत बार लोगों से ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या मल्टी कोलिनरिटी हमेशा ही खराब है द आंसर इज नो अगर आप एक रिग्रेशन मॉडल को सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए यूज करना चाहते हो तो मल्टी आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा आपके रिजल्ट को बट अगर आप फीचर्स का इंपॉर्टेंस निकालना चाहते हो विच बेसिकली मीन्स कि आपके लिए बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू ये सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो फिर मल्टी कोलिनियरिटी इज बैड ध्यान से सुनना अगर आपका काम है सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को यूज करके प्रिडिक्शन कैलकुलेट करना तो फिर आप मल्टी कोलिनियरिटी के साथ भी काम चला सकते हो बट अगर आपने लीनियर रिग्रेशन जैसा एल्गोरिदम इसलिए यूज किया बिकॉज वो आपको फीचर्स का इंपॉर्टेंस निकाल के देगा तो फिर आप मल्टी कोलिनियरिटी के साथ यूज नहीं कर सकते बिकॉज आपके बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू इन सब का कुछ मीनिंग ही नहीं रहा दे आर नॉट रिलायबल ठीक है बट द प्रॉब्लम इज कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीनियर रिग्रेशन टाइप का एल्गोरिदम फीचर्स का इंपॉर्टेंस निकालने के लिए ही यूज़ करते हो क्योंकि प्रिडिक्शन ही अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपके पास और बहुत सारे अच्छे एलगोरिदम्स हैं जो आपको लीनियर रिग्रेशन से बेटर रिजल्ट दे देंगे तो लीनियर रिग्रेशन की तरफ आने का एक बड़ा रीज़न होता है ये फीचर इंपॉर्टेंस या फिर ये कोफ़िशेंट्स का वैल्यू निकालना हम कभी कभी ये एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैकेज ज़्यादा लगे इसमें आई क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है या फिर पैकेज ज़्यादा लगे इसमें सी जी पी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इस तरह का रिलेशनशिप uh, कैप्चर करने के लिए हम रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो फीचर इम्पॉर्टेंस इज इम्पॉर्टेंट बट अगर इफ यू आर गोइंग विथ ओनली प्रिडिक्शन देन यू कैन गो विथ मल्टी कोलिनियारिटी एज वेल एक चीज़ और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं uh, कि मल्टी कोलिनरिटी के टाइप्स क्या हैं मल्टी के दो टाइप्स हैं एक है स्ट्रक्चरल और एक है डेटा बेस्ड ठीक है ये दोनों मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ सो स्ट्रक्चरल मल्टीकोलिनियरिटी तब आता है जब जो डेटा साइंटिस्ट है वो खुद से कुछ नए फीचर्स क्रिएट करता है अपने डेटा में ठीक है जिसकी वजह से मल्टी कोलिनरिटी आ जाता है मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ आपने कभी ना कभी वन हॉट इनकोडिंग किया होगा राइट सो वन हॉट इनकोडिंग करते टाइम आप क्या करते हो मान लो आपके पास सिटी बोल के एक कॉलम है जिसमें दिल्ली मुंबई और कोलकाता है आप इससे तीन कॉलम्स बना दो सिटी मुंबई सिटी कोलकाता एंड सिटी दिल्ली और आप एक लास्ट कॉलम को ना हटाओ अगर तो ये फिर मल्टी क्रिएट करता है तो ये स्ट्रक्चरल मल्टी है बिकॉज ये पहले से नहीं था आपने कुछ चेंजेस किए उसकी वजह से आया ठीक है या फिर हो सकता है आपके पास एक फीचर वन था आपने फीचर वन स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया तो ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल मल्टी है ठीक है सेकेंड है डेटा बेस्ड डेटा बेस्ड मल्टी इज़ द नॉर्मल वन जहाँ पे डेटा में पहले से मल्टी है मतलब डेटा में पहले से दो कॉलम्स हैं जो आपस में को रिलेटेड है इसमें आपका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसने भी डेटा कलेक्ट किया उसमें उस सोर्स में, उस में कुछ गलती है ठीक है तो ये दो टाइप्स होते हैं आपके मल्टी के अब कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि डिटेक्ट कैसे करोगे आप मल्टी को और हटाओगे कैसे तो मल्टीपल तरीके हैं डिटेक्ट करने के सबसे पहला जो तरीका है वो तो है डोमेन नॉलेज सो अगर आप जिस डेटा के ऊपर काम कर रहे हो उसके इर्द गिर्द आपको बहुत नॉलेज है तो आप डेटा को देख के समझ सकते हो कि कौन से दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट कॉलम्स मल्टी शो कर सकते हैं ठीक है सेकेंड तरीका है कि आप स्कैटर प्लॉट प्लॉट करो दो दो आप कॉलम्स उठाओ स्कैटर प्लॉट प्लॉट करो और अगर आपको कुछ भी इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है कुछ भी इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो दिस इज़ अ सिग्नल कि वहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी हो सकता है दो इंडिपेंडेंट फीचर्स आर रिलेटेड ठीक है थर्ड इज़ कि आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के देख सकते हो बेसिकली आप अपने डेटा फ्रेम के ऊपर कॉर फंक्शन को कॉल कर दो और उसको एस एन एस डॉट हीट मैप पर डाल दो दिस विल गिव यू अ मैप लाइक दिस ठीक है ये आयरिस डेटा सेट के ऊपर किया गया है यहाँ पर यू कैन सी अगर कोई भी दो कॉलम्स uh, के बीच में को रिलेशन इज ग्रेटर देन पॉइंट नाइन कुछ लोग पॉइंट एट का भी थ्रेश होल्ड लेते हैं तो इट शोज़ कि उन दोनों फीचर्स के बीच में कोरिलेशन है एंड दैट इज़ डेंजरस जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी दीज वेरिएबल्स दीज वैल्यूज़ आर नॉट गुड ठीक है तो ये एक बहुत सही तरीका है एंड लास्टली यू कैन यूज़ अ टेक्निक लाइक वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर वी आई एफ ठीक है आप वी आई एफ एनालिसिस कर सकते हो और जिन भी वेरिएबल्स का वैल्यू वी आई एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन फाइव आप उनको हटा सकते हो ठीक है तो ये तीन चार तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि मल्टीकोलिनियरिटी है कि नहीं है ठीक है अब अगर डिटेक्ट हो गया तो हाउ टू रिमूव रिमूव करने के मल्टीपल तरीके हैं ऐसे तो बोला जाता है इंक्रीज और रादर एड मोर डेटा इससे कई बार मल्टीकोलिनियरिटी का सिनारियो इंप्रूव करता है सेकेंड इज रिमूव वन ऑफ द को रिलेटेड इंडिपेंडेंट फीचर सो अगर आई क्यू और सी जी पी को रिलेटेड है तो आप दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दो अपने हिसाब से इफ यू फील कि आपको आई क्यू चाहिए है तो आप सी जी पी ए को हटा दो अगर आपको लगता है सी जी पी ए चाहिए तो आप आई क्यू को हटा दो और दोबारा से आप एनालिसिस करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा थर्ड इज परफॉर्म लासो और रिज रिग्रेशन ये ऑटोमेटिकली आपके जो कॉफिशेंट्स हैं उनको श्रिंक कर देगा जो भी नॉन इंपॉर्टेंट क्विशेंट्स हैं उनको श्रिंक कर देगा तो आज की रेट में लास्सो और रिज रिग्रेशन को भी बहुत यूज किया जाता है टू तो रिमूव मल्टी कोलिनियरिटी एंड द लास्ट वन इज यू कैन यूज अ टेक्निक लाइक प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन टाइप का आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो जो आपको रिजल्ट में अनरिलेटेड दे देता है ठीक है तो ये तीन चार तरीके हैं टू रिमूव मल्टी कोलिनरिटी अब इनमें से रेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर का वीडियो मैंने अभी तक चैनल पे नहीं डाला है तो आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो चैनल पे डालूं और जाते जाते बस एक लास्ट डिस्कशन ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या मल्टी कोलिनरिटी सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए खराब है या फिर कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स को ही अफेक्ट करता है आंसर इज मोस्टली ये पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं जो पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है नॉन पैरामेट्रिक को उतना नहीं करता नॉन पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल हो गया ट्री बेस्ड पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल हो गया लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाइव बेस के एन एन एक्सेट्रा ठीक है तो जहाँ भी आपने इस तरह के एजम्पन्स ले रखे हैं कि सारे के सारे आपके इनपुट कॉलम्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो उस तरह के जो एलगोरिदम्स हैं उनको मल्टी कोलिनियारिटी ज़्यादा परेशान करता है वेरा ट्री बेस्ड एलगोरिदम्स में इस तरह के कोई एजम्पन्स नहीं होते तो उनके ऊपर मल्टी कोलिनियारिटी का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ये आंसर उसको कर सकते हो सो दैट वॉज द वीडियो गाइस आई गेस आपके क्वेश्चन आंसर कर दिए मैंने अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक like करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय